चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्लास ट्वेल्थ में तो चैप्टर 5 है, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें अवकलन करना है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हमें ये एक फॉर्मूला याद रखना है और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लघु गणक लेने पर तो क्या हो जाएगा, इधर लोग भाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, दोनों पक्षों में हमने लोग का इंटू कर दिया, तो आप ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लोग ए इंटू बी क्या होता है, लोग ए प्लस लोग बी। तो लोग ए प्लस बी मतलब जो इंटू में रहेगा उसको प्लस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोग भाई, तो इजी थी, अब ये क्या बन जाएगा, एक दो तीन, तो तीन टुकड़े हो जाएंगे इसके, लोग कोस एक्स प्लस लोग कोस टू एक्स प्लस लोग कोस थ्री एक्स, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। आपको लोग का भी सूत्र याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, लोग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ बड़ा लग रहा है आपको तो सिर्फ ध्यान से देखना है, और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लोग भाई का क्या हो जाएगा, 1/y, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि वाई जो हमारा कॉन्स्टेंट है, ये वाई जो बचेगा, तो वाई का हम 1 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, फिर हमारा डी वाई बाई डी एक्स ही दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए लोग कोस एक्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर 1/cos(x) डी बाई डी एक्स, फिर अब कोस का होगा कोस एक्स, फिर यहाँ पर देखिए क्या है, लोग कोस टू एक्स है, तो ये 1/cos(2x) हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स कोस टू एक्स का प्लस, फिर लोग कोस थ्री एक्स है, तो क्या होगा इसका, 1/log(1/cos(3x)। यहाँ पर आपको ध्यान से देखते रहना है, क्वेश्चन आगे बढ़ता जा रहा है हमारा, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये 1/y dy/dx एज इट इज लिखा मैंने। अब यहाँ पर देखिए कोस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हमने कर दिया, माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है, कोस एक्स, तो लिख दो कोस एक्स, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे वाई था इसलिए डीवाई बाई डी एक्स लिखना पड़ा हमको। अब आगे देखिए, ये जो प्लस लगा है, ये प्लस एज इट इज, कोस टू एक्स का करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 2x, और 2x का करेंगे तो आगे 2 लिख सकते हैं हम, तो ये 2x का अवकलन होगा तो 2 आएगा, तो ये मैंने 2 लिख दिया, अपॉन में क्या आएगा, कोस 2x प्लस इसका भी हमको डी बाई डी एक्स कोस 3x का भी अवकलन करना है, तो कोस 3x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन 3x, और 3x का करेंगे तो आगे 3 लगा देंगे, क्यों, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा और 3 कॉन्स्टेंट है तो आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे cos 3x बचा है तो ऐसा कैसा लिख दिया हमने। और एक सूत्र याद है आपको, tan थीटा, जो टेंथ में आपने पढ़ा था, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा,
तो जो साइन अपन कोस है वो क्या बन जाएगा टेन, तो यहाँ पर साइन एक्स अपन कोस एक्स है क्या बन जाएगा ये माइनस का टेन एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप प्लस माइनस माइनस टू तो एज इट इज, और साइन टू एक्स अपन कोस टू एक्स क्या हो जाएगा टेन टू एक्स, प्लस माइनस माइनस थ्री ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने साइन थ्री एक्स अपन कोस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे और ये जो वाई है ये उधर जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाई उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वाई का मान क्या है हमारे पास ये है पूरा, तो ये लिख देंगे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा y यहाँ पर है वन अपॉन y है तो ये डिवाइड में है तो इधर आके रूम बन जाएगा माइनस कॉमन ले लिया और ये y तो ये क्या बचा टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। अब y का मान रख दीजिए, y का मान क्या है कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स, तो अब मैं यहाँ पर y का मान रख रहा हूँ ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एज इट इज वाई का मान क्या है ऊपर कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स और ये पूरा एज इट इज टेन एक्स प्लस टू टेन एक्स टू टेन टू एक्स प्लस टेन थ्री टेन थ्री एक्स ये हमारा आंसर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और भी हमारे चैनल पर वीडियो है तो जाकर देख सकते हो।